आज मैं आपको क्रीमी पाइनएप्पल पुडिंग बनाना सिखा रही हूँ। जिसके लिए मैंने 1 किलो दही ली थी, इसे मैंने हैंग कर लिया था। इसका एक्स्ट्रा जितना पानी था उसे मैंने निकाल लिया था, तो ये इस तरह से थिक बन गई। 1 कप मैंने प्लेन केक लिया है, 1 कप पाइनएप्पल जेली इसमें यूज़ किए हैं मैंने, 1/2 कप 3 to 4 टेबलस्पून पाइनएप्पल जूस, आमंड, कैस्टर शुगर 2 से 3 टेबलस्पून, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, 1 पैकेट क्रीम, 1 से 2 ड्रॉप्स वनीला एसेंस के। अब सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। और साथ ही इसमें 1/2 पाइनएप्पल जूस ऐड करूँगी। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक ये क्रीम के फॉर्म में ना आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट इसको मिक्स करने से ये देखिए बिल्कुल क्रीम की शक्ल में आ गया है। अब मैं इसके अंदर क्रीम ऐड करूँगी। ये सारी इसके अंदर क्रीम ऐड कर दी है, अब ऐसे ही इसको मिक्स करूँगी। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, अब मैं इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी। साथ ही मैं इसमें वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी और पाइनएप्पल जूस ऐड कर दूंगी। इसमें 2 से 3 टेबलस्पून जस्ट पाइनएप्पल जूस के ऐड करने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ चुका है। सबसे पहले मैं इसके अंदर प्लेन केक ऐड करूंगी। देन मैं इसके अंदर क्रीम वाला बैटर ऐड करूंगी। ये सारा इसे कवर करते हैं। अब मैं इसके अंदर आमंड ऐड करूँगी, ये इसी तरह इसके अंदर ऐड करने हैं। साथ ही इसमें पाइनएप्पल चंक्स ऐड करूँगी। थोड़े से जो है हम गार्निश के लिए भी। अब मैं इसमें जेली ऐड करूँगी। जेली का कोई भी फ्लेवर आप अपने मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर दोबारा से लेयरिंग करूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आपकी मर्जी। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से पाइनएप्पल ऐड करूंगी, जेली ऐड करूंगी और आमंड्स ऐड कर दूंगी। ये देखिए व्यूवर्स, आज की पुडिंग बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, अपने व्यूज़ दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आइंदा तमाम वीडियोज़ जो हैं आप तक आसानी से पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।